वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम वजाहत है, मेरे साथ मेरे अबू नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। मुझे भी अभी पता लगा कि एयरटेल का 5G का टेस्ट हुआ हैदराबाद में, तो ये मुझे अभी जस्ट लिंक आया, तो मैंने कहा कि इसको बनाते हैं फौरन, क्योंकि मैं देखने का बड़ा दिल कर रहा था पूरा वीडियो। मैंने कहा इस पे रिएक्शन देते हैं जल्दी से। इंडिया में 5G लॉन्च हो गया, बहुत बड़ी खबर, देखते हैं तो पता चलेगा। लॉन्च नहीं हुआ अभी, सिर्फ टेस्ट हुआ है। अच्छा हाँ, अभी सिर्फ टेस्ट हुआ है। तो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, 3-2-1 एंड स्टार्ट। अभी सिर्फ निकला ऑडी से बंदा, वाह भाई। अभी तो पता लगेगा कितनी स्पीड आती है, करके बताएगा ना। हाँ हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित, फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पर एयरटेल के स्टोर में, और ये इसीलिए क्योंकि आज एयरटेल ने अनाउंस किया है कुछ ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज जो कम्प्लीटली चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को। मैं बात कर रहा हूँ 5G के बारे में, और यहाँ पर एयरटेल बन चुका है पहला टेलीकॉम ऑपरेटर जो सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एक लाइव 5G सर्विस और एक कमर्शियल नेटवर्क यहाँ हमारे शहर में जो हैदराबाद। मैं यहाँ एयरटेल के ही स्टोर में आया हूँ जहाँ पर हमारे सामने है एक 5G डिवाइस जिसके ऊपर मैं अभी स्पीड टेस्ट करूंगा, और उसी के साथ साथ आपके सामने कुछ बड़े साइज के फाइल्स को डाउनलोड भी करूंगा, प्रॉब्ली 1GB फाइल, और देखते हैं कि कितना समय लगता है 1GB फाइल डाउनलोड करने में ऑन 5G नेटवर्क। दोस्तों मैं आपको स्पीड टेस्ट बताऊँ, उससे पहले मैं डिटेल में बात करता हूँ इस कंप्लीट नए टेक्नोलॉजी के बारे में। सो लेट्स डिग इन फर्दर अबाउट द ऑल न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड बाय एयरटेल। जानना चाहते हो कि एयरटेल ने कैसे रेडी किया 5G नेटवर्क, तो यहाँ पर एयरटेल इस्तेमाल कर रहा है डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग टेक्नोलॉजी, जिससे एयरटेल के पास कैपेबिलिटी मिल जाती है 5G को ऑपरेट करने की अपने करंट टेक्नोलॉजी न्यूट्रल स्पेक्ट्रम में जो है मिड बैंड्स में, जैसे कि 1800 मेगाहर्ट्ज, 21 मेगाहर्ट्ज और 29 मेगाहर्ट्ज, और उसी के साथ साथ सब गीगाहर्ट्ज बैंड्स जैसे कि 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज। इनफैक्ट यहां अगर एयरटेल को परमिशन मिल जाएगा तो वो ऑपरेट करेंगे दोनों 5G और 4G डायनामिकली सेम स्पेक्ट्रम ब्लॉक में, और यहां पर इसी के कारण वो डिप्लॉय कर पाएंगे 5G को कुछ ही महीनों के अंदर। और इसी टेक्नोलॉजी के कारण एयरटेल यहां पर पूरे इंडिया के अंदर डिप्लॉय कर सकता है 5G बहुत ही फटाफट तरीके से, और आपके हाथ में आ सकता है 5G अगर आपके पास है 5G कंपैटिबल स्मार्टफोन होगा तो तभी चलाएंगे, नहीं तो फोन भी चलाओ। डेमोज हमें यहां पर दिए थे और टेस्ट करने के लिए हमारे सामने थे ओप्पो रेनो 5 प्रो और ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो स्मार्टफोन्स। यहां पर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग हो रही है, जहां पर एयरटेल आपको सीमलेसली 5G और 4G कॉन्करेंटली ऑफर कर रहा है, और ये आपको मिलेगा सेम स्पेक्ट्रम ब्लॉक में। अब फटाफट से करते हैं एक स्पीड टेस्ट और देखते हैं कि भाई किस तरह की स्पीड्स हमें हमारे इस लेटेस्ट 5G नेटवर्क में मिल सकती है। मेरे पास है यहाँ पर ओप्पो का वन ऑफ द लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन, जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी का हम कंप्लीट डेमो देखेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाईफाई इज ऑफ, आई एम लैश्ड इनटू द लेटेस्ट 5G नेटवर्क फ्रॉम एयरटेल, और मैं यहाँ पर करता हूँ स्पीड टेस्ट और देखते हैं भाई किस तरह की स्पीड हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर लेट्स गो एंड रन द टेस्ट अगेन, दिस इज अ रियल टेस्ट विच वी आर परफॉर्मिंग राइट नाउ, और फर्स्ट ऑलमोस्ट 50 Mbps ऑफिस में जो वाईफाई कनेक्शन है दैट्स ऑफरिंग 100 Mbps पर सेकंड ऑन द गो। अगर हम खेलते हैं पबजी फॉर दी जो भी लेटेस्ट गेम्स, देन आई एम श्योर वी वोंट हैव एनी लेटेंसी इश्यूज, वी वोंट फाइंड एनी पिंग इश्यूज, और इसी के साथ मैं पिंग भाई यहां पर हमें स्पीड होगी पता नहीं था, और उसी के साथ-साथ अपलोड स्पीड इज आल्सो वेरी गुड। अगेन दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट सेटअप्स, आई आने वाले दिनों में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन होगा, और आई एम श्योर बाय अ टाइम यू नो स्पेक्ट्रम अलॉट हो जाएगा, ऑक्शन हो जाएगा, उसके बाद जब ये सर्विस अवेलेबल हो जाएंगे देन वी माइट बी लुकिंग एट क्रेजी स्पीड्स। सो लेट मी जस्ट डू अ फ्यू मोर स्पीड टेस्ट एंड देन शो यू द स्पीड टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सेम टू सी व्हाट्स द एक्चुअल स्पीड्स विच वी आर गेटिंग हियर राइट नाउ। दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट किए गए थे, और जस्ट टू गेट ए प्रैक्टिकल एवरेज, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एक रैंडम सैम्पल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग डेटा रिजल्ट हमें यहाँ पर मिले हैं, और काफ़ी बार मतलब इट हैज टच 320, 320,
और देखते हैं कितना समय लेता है। टैप ऑन डिटेल्स और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब 33 seconds इज द टाइम इट्स गोइंग टू टेक टू डाउनलोड 1 GB फाइल। मतलब अगर आप ऑन द गो हो, अगर आप OTT एप्लीकेशन से मूवीज देखना चाहते हो और आपको लगता है कि भाई मुझे लेटेस्ट नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम ये सब सर्विस की कोई भी मूवी देखनी है, डाउनलोड। और जैसे मैं आपको इसी बात की बात कर रहा हूँ तब तक आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 GB फाइल कंप्लीटली डाउनलोड हो चुकी है, विच इज अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो दिस वॉज क्रेजी, मतलब 1 GB फाइल हैज बीन डाउनलोड विद इन अ फ्यू सेकंड्स। दोस्तों एक जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था उसके साथ साथ कितना समय लगता है डाउनलोड करने में और उसके बाद खेलते हैं थोड़ा सा कॉल ऑफ ड्यूटी। गेमिंग भी बड़ी तेज हो रही है आप लोग क्या करेंगे स्पीड से, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए क्योंकि क्या फाइल डाउनलोड करोगे या फिर कौन सा गेम खेलोगे आप इसी 5G नेटवर्क के ऊपर, और आप क्या सोचते हो इस बड़े अनाउंसमेंट के बारे में जो एयरटेल ने आज यहाँ पर अनाउंस किया है। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा यार इसका आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप आते हैं रिव्यू पे, और इतनी ज्यादा स्पीड आ रही थी, मतलब 300 GB थी कि 300 MB पर सेकंड थी समथिंग। कोई आप फिल्म भी डाउनलोड करना चाहते हो 20 सेकंडों में, मतलब के 20-30 सेकंड में, यूं मतलब के यूं दो कदम स्टार्ट किया, यूं थोड़े से एक दो कदम किया और ये झटक से 1-2 GB फाइल उसी वक्त डाउनलोड। एयरटेल ने बहुत बड़ी कामयाबी उधर, हाँ पापा इंडिया का पहला नेटवर्क बन गया जिसने टेस्ट किया है, ये उन मुल्कों में शामिल हो जाएगा जिधर 5G की सहूलत मौजूद है। हाँ अभी ये कुछ ही महीनों के अंदर अंदर 5G इधर आ जाना है अब इंडिया में, बिल्कुल टेस्ट हो गया और ये मतलब ये कह रहे हैं, हाँ कामयाब भी है, देखे ना कामयाब कितना हुआ है। और अभी ये कह रहे हैं कि अभी जब यहाँ पे कम्प्लीटली आएगा तो स्पीड और तेज बढ़ जानी है इसकी, बहुत इसमें इससे ज्यादा कितनी स्पीड बढ़ेगी हो यार, ये तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा चीज है, बस डाउनलोड करनी हो या अपलोडिंग करो सेकंडों में हो जानी है, बस क्लिक करो, बस यूं क्लिक करो एडिंग, और छोटी मोटी पहले 500 MB या 100 MB वो तो बस क्लिक करो तो डाउनलोड, बिल्कुल हाँ ना। 5G बजाय जो है ना ये इंडिया का एक किस्म का नक्शा बदल देगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें पापा सिर्फ मोबाइल ही होता, इसमें और टेक्नोलॉजीज भी आ जाती, बिल्कुल और टेक्नोलॉजी भी आ जाती है ना, और चीजों में भी 5G इस्तेमाल होता, खाली मोबाइल तो नहीं है पापा, इससे ऑटोमेटिक बसें चल सकती है, ऑटोमेटिक 5G से कारें चल सकती, बिल्कुल 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 5G के यूज करके। और यार मैं कसम से खुद शौक हूँ इस चीज को देख के भाई इंडिया में फाइनली 5G लॉन्च हुआ है, और थैंक यू यार हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था तो हमने उनकी वीडियो पिक की है, तो थैंक यू सो मच यार, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हमें तो पता ही नहीं था कि इंडिया में 5G ले आया है। इंडिया ने तरक्की टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में बड़ी तरक्की कर ली। आपको पता है चाइना से जब इनसे लड़ाई हुई थी ना तो चाइना ला रहा था, तो उन्होंने बायकॉट कर दी, चाइना को बोला कि भाई हम लोग तुमसे 5G नहीं लेते, हम अपनी बुलाएंगे, और आज एयरटेल ने अपनी 5G वहां पर टेस्ट की है, किसी का तावन वगैरह नहीं किया, अपना तजर्बा कामयाब हो गया, कामयाब हो गया 100% भाई, यही तो बात है फिर ये एयरटेल की और इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत है इसमें इंडिया का नाम ही रोशन होगा, बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।